जीएस तोमर साहब, एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं कानून नहीं, मस्जिद हो तो भावना से फैसला होगा। सहमत है इस तर्क से आप या कानून से फैसला होगा? देखिए पवन जी, मैं तो हिमाचल के संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो दो मुद्दे सामने आए हैं अभी इन दो सालों में या लगभग दो महीनों के बीच में, पहला मुद्दा तो यह है कि जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन एज ए मंदिर मस्जिद हुआ हो या किसी भी तरह का भवन का निर्माण किया गया हो, वो तो पूरी तरह से कानूनी मसला है, कानून के पास माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर तो जो कोर्ट फैसला देगी उस पर उस तरह से। तोमर साहब का नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है, बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। सर, ये सारा मामला मस्जिद से आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सरकार पर हमले तक जा रहा है और कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। अरे ऐसा है, ये अभी एमआईएम के जो प्रवक्ता है आदिल, उनको अभी हम सुन रहे थे, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यही तो भाषा धारावी में देखने को मिली। आप गणपति में हर गणेश मंडल के जुलूस पर पूरे महाराष्ट्र में सभी शहरों में बड़े बड़े पैमाने में पथराव किया गया, वो पथराव सहन करना। अभी जो बोल रहे थे कि नीलेश राणे, नीतीश राणे और उनके पिताश्री इनके दरवाजे पर आते थे, ये इनका सही दर्द है। इनका सही दर्द ये है कि हिंदुस्तान के सभी राजनेता इनके दरवाजों पे आकर झुकना चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस झुकती है, जिस तरह से उद्धव भाई ठाकरे झुकते हैं, जिस तरह से शरद पवार झुकते हैं। हम नहीं झुकेंगे, हम किसी का अनुनय नहीं करेंगे, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन तुम अगर पत्थर चलाते होंगे बीएमसी के एक्शन को, अगर आप तुम हिंदुओं के एक्शन मानते होंगे और बीएमसी के एक्शन के वक्त अगर तुम पूरे हिंदुओं को बदनाम करते होंगे, तो इसका जवाब सही भाषा में नीतीश राणे दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आदिल जी, जिस तरह से आदिल आपने अभी उनको गाली दी, अगर गालियों में बात करोगे, अगर धारावी का रूप आप अगर टीवी डिबेट में बताओगे, एक बात तो उसी गंदी गाली मस्जिद में दिखाई देंगे उसको क्या ताकत होती है? जब चूड़ियां पहन के बैठे, बिल्कुल ये भाषा नहीं चलेगी, ये भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी इस देश में। ये आदिल हसन साहब, एक सेकंड रुकिए, आदिल हसन साहब, आप टीवी पे बैठ के इस तरह से धमकी कैसे दे सकते हैं? अरे सुनिए, आपका उनके साथ राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन हमारे मंच का इस्तेमाल आप धमकी देने के लिए कैसे कर सकते हैं? जवाब सुनिए पवन जी, जवाब सुनिए, बोलिए, जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, वहां के मस्जिदों में जाते हैं, शेख से गले मिलते हैं, प्रधानमंत्री को वहां पर मंदिरों की मुस्लिम कंट्री में जगह मिली, प्रधानमंत्री मिलादुन नबी का मुबारकबाद देते हैं, और नीलेश राणे और रामगिरी मुसलमानों को गाली देगा, हम चुप रहेंगे क्या? संविधान हमें अधिकार देता है उसके खिलाफ बोलने का, और अजीत पवार भीख मांगते थे मुसलमानों के दरवाजे में जाकर, ये सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी लगाकर पार्टी देते थे मुसलमानों। आदिल साहब, इसे वोट का मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? या तो बात सिर्फ अवैध निर्माण की चल रही थी, अडवाणी जाकर पढ़ते थे, जाके जिन्ना के मैदान में फांसियां पड़े हैं, ये भाजपा प्रवक्ता अभी तक भी विश्वास नहीं हुआ है, और जिन्ना के मजार पर कौन किया था, और हमें बोलते हो जिन्ना के मजार पे तो अडवाणी कहते हैं इनके आका जो थे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, जिन्ना के मजार पे इनके इनके आका अडवाणी कहते हैं, जब राजनीति में नहीं आए तब वो भाजपा में थे अडवाणी जी, नवाज शरीफ के जाके गले मिलते हैं अडवाणी मोदी जी, सहन किया जाता था। शिवराय जी रुकिए एक बार, याद रखना बीजेपी, शिवराय जी रुकिए एक बार, शिवराय कुलकर्णी एक मिनट, आदिल हुसैन साहब सुनिए जरा, आप इधर उधर की बहुत बातें कर रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे सर। फौज में मुसलमान भी रहते हैं। आदिल साहब सुनिए, एक बात सुनिए, आपने कहा मस्जिद का अगर मुद्दा है तो भावनाओं के आधार पर तय होगा, क्योंकि धारावी में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है तो आप कह रहे हो भावनाओं के आधार पर तय करो, अगर आपके इसी पैमाने को हिमाचल में अप्लाई कर दिया जाए तो वहां तो हिंदू पॉपुलेशन है, तो क्या मस्जिद सिर्फ इसलिए तोड़ देनी चाहिए क्योंकि वहां हिंदू उसका विरोध कर रहे हैं, या एक कानून के तहत होना चाहिए? इसका जवाब दो आप, इधर उधर की तो बहुत बातें कर रहे हो आप। पवन जी, हाँ जी, आपने देखा कि हिमाचल में जहां पर फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर को इलीगल कहा गया था, मस्जिद कमेटी आगे आई और उस फ्लोर को बोली कि मैं खुद इसको जो भी जजमेंट
आएगा मैं खुद डिमोलिशन कर दूंगा। सरकार के पास ये प्रावधान होता है, जब अदानी और अदानी को जब ये हजारों करोड़ की जमीन लाखों में दे सकते हैं, कोयला हजार करोड़ का दे सकते हैं, तो सरकार के पास ये प्रावधान रहता है बीएमसी की, उसको इजाजत दे सकता है कहीं पर एप्लीकेशन लेकर उसके त्रुटियां उसके टेक्निकल क्लॉज को खत्म किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं हिंदू और मुसलमान में एकता, भारत के कम से कम 1 करोड़ से ऊपर नॉन मुस्लिम भाई विदेश में रहते हैं लेकिन उनकी इज्जत होती है। आज तक हमने किसी को नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा किसी से नहीं लगवाया, आज तक हमने जबरदस्ती किसी को मंदिर में या मस्जिद में जबरदस्ती नहीं घुसाया, आज तक एक भी हमारा पर्व में मंदिर के सामने कोई गलत नारे नहीं लगे। मानते वो इतिहास है। आप जरा रुकिए, जरा आपकी बात सुन ली हमने, आपके पास तर्क नहीं है। आप वाला फॉर्मूला अगर हिमाचल में लगा दे तो आपको सबसे पहले आपत्ति होगी। प्रवेश चौधरी जी बीएचपी के प्रवक्ता हैं। प्रवेश चौधरी जी, यहाँ बात अवैध निर्माण की थी लेकिन पूरी सियासत पूरा वर्ल्ड हमने घूम लिया अवैध निर्माण की बात छोड़ के। ये सच्चाई बोल रहे थे, हम तो बोल रहे हैं जहां पर त्रुटियां हैं किसी और बात कारण आदिल साहब बात तो सुन लो, संविधान मानना है ना इन्होंने कानून मानना है, ये बात करेंगे बाबा साहब की, ये बात करेंगे बाबा साहब अंबेडकर को, हमने सारी कहानी कहेंगे लेकिन बाबा साहब के लिए हम संविधान पर एक कदम पे चलने को तैयार नहीं रहते हैं। मेरे लीडर की मानसिकता है।